सब्सक्राइब कीजिए मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एडुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और स्वागत है आपका मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक्सेल में डेट इन टाइम फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले हम लोग एक्सेल का चार फंक्शन पढ़ चुके हैं और ये हम लोग का लास्ट होगा डेट एंड टाइम फंक्शन। और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सेल में इस टॉपिक के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग एक्सेल ओपन कर लेंगे। एक्सेल ओपन करने के बाद एक हम लोग वर्कबुक क्रिएट करेंगे और अगर पहले से आपके पास वर्कबुक बना हुआ है तो उसी को हम लोग ओपन कर लेंगे। और एक ब्लैंक सीट हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से न्यू सीट करते हैं। यहाँ नीचे आपको सीट मिलता है, ढेर सारा सीट आप देख सकते हैं नीचे बना हुआ है। तो एक सीट और हम लोग इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। सीट इंसर्ट कर लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले अभी हम लोग हेडिंग देते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन, वो आपके जानकारी के लिए हम ऐड कर देते हैं कि आपको हेडिंग इसका दिखते रहे। सेलेक्ट करके हम लोग मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। यहाँ आपको अलाइनमेंट में मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन। साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम लोग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन। सबसे पहला हम लोग का नाउ फंक्शन। एक्सेल में नाउ फंक्शन का यूज होता है क्या, आपको करेंट डेट और टाइम इंसर्ट करके देता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट और बिना स्पेस का ब्रैकेट बंद। ये नाउ फंक्शन जैसे आप टाइप करके इंटर करते हैं तो आज का अभी का जो टाइम है और आज का जो डेट है ये आपको इंसर्ट करके देगा। आप देख सकते हैं ये 31/5/2021 और 24 घंटा के फॉर्मेट में यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 21:06। ये आपका हुआ नाउ फंक्शन, यानी करेंट डेट और टाइम आपको इंसर्ट करके देगा। अब अगला हम लोग का टूडे फंक्शन। टूडे फंक्शन करता है क्या, सिर्फ और सिर्फ आपको डेट ही इंसर्ट करके देगा, यानी करेंट डेट आपको यहाँ पर दे देगा। इज इक्वल टू टूडे ब्रैकेट स्टार्ट किए ब्रैकेट बंद देन इंटर, ये आपको करेंट डेट इंसर्ट करके देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर करेंट डेट दे दिया 31/5/21। अगला फंक्शन हम लोग का मंथ टूडे। मंथ टूडे फंक्शन करता है क्या, आपको करेंट मंथ इंसर्ट करने का फैसिलिटी देता है। इज इक्वल टू मंथ ब्रैकेट स्टार्ट किए उसके बाद यहां पर आपको टूडे टाइप करना है, टूडे देन टूडे का ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। उसके बाद हम लोग मंथ के लिए जो ब्रैकेट स्टार्ट किए थे यानी मंथ के बाद वो बंद कर देंगे। ये आप देख सकते हैं फंक्शन आपका कंप्लीट है। अब इंटर हम लोग प्रेस करेंगे। ये देख सकते हैं आपको ये पांचवा महीना इंसर्ट करके दिया, यानी मंथ फंक्शन करता है क्या, करेंट मंथ को इंसर्ट करने का फैसिलिटी देता है। उसके बाद हम लोग का है ईयर टूडे फंक्शन। ईयर टूडे फंक्शन करेगा क्या, करेंट ईयर जो है अभी उसको इंसर्ट करने का फैसिलिटी देगा। इज इक्वल टू ईयर ब्रैकेट स्टार्ट किए टूडे, अब टूडे का ब्रैकेट स्टार्ट बंद देन ब्रैकेट बंद इंटर, ये आपको करेंट ईयर शो करेगा। तो ये आपका हुआ नाउ फंक्शन, टूडे फंक्शन, मंथ टूडे, ईयर टूडे। अगला हम लोग का डेज 360, यानी फंक्शन का नाम ही हम लोग का डेज 360। इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग डेज टाइप किए 360 ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर डेट का सेल एड्रेस भी दे सकते हैं और डायरेक्ट आप डेट भी टाइप कर सकते हैं। ध्यान रहे जो आपका ओल्ड डेट है यानी स्टार्ट डेट वो पहले टाइप करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंट डेट टाइप करेंगे। अगर आप डायरेक्ट डेट टाइप कर रहे हैं तो आपको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर डेट
इंसर्ट करना होगा। जैसे डबल इन्वर्टेड कोमा दिया मैंने 04/04/1992। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है इसमें, क्या आपके कंप्यूटर में जिस फॉर्मेट में डेट है उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। मतलब अगर आपके कंप्यूटर में पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है, तो उसी फॉर्मेट में टाइप करेंगे। अगर आपके कंप्यूटर में पहले मंथ शो कर रहा है, फिर डेट शो कर रहा है, फिर ईयर, तो उसी फॉर्मेट में यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, डेट एंड टाइम सेटिंग्स में जाके आप उसका टाइप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने स्टार्ट डेट दिया, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, फिर कोमा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे हम लोग इंड डेट के लिए। इंड डेट हम लोग आज का ही डेट देते हैं 31/5/2021, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये डेज 360 फंक्शन करेगा क्या, दोनों डेट के बीच में जितना भी दिन बीता है वो आपको यहाँ पर निकाल के देगा, लेकिन साल का 360 दिन के आधार पे, जो कि ये आपका गलत है। मतलब साल में आपका 365 दिन होता है, लीप ईयर हो तो 366 दिन भी हो जाता है, तो उस आधार पे यहाँ आपको ये निकाल के नहीं देगा, ये हर साल का 360 दिन के आधार पे निकाल देगा। हम एक्यूरेट भी निकालने के लिए आपको बताएंगे जस्ट इसके बाद, पहले इसको सीख लीजिए। इंटर किए, आप देख सकते हैं यहाँ साल का 360 दिन के आधार पे दोनों डेट के बीच में अंतर निकाला 10,497 दिन। अगर आपको एक्यूरेट पता करना है तो दो तरीका है। पहला ये कि डेट आप कहीं पर टाइप कर दीजिए और उसका सेल एड्रेस देंगे हम लोग, और दूसरा तरीका है क्या, डेट आपको डायरेक्ट लिखना होगा। मैं आपको दोनों तरीका से बताता हूँ। पहले डायरेक्ट हम लोग डेट लिखते हैं, इज इक्वल टू फंक्शन हम लोग का है डेटेड इफ, दो फंक्शन मिल के ये बना है, तो यहाँ पर आपको देना है डेटेड इफ, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ओल्ड डेट टाइप करेंगे, 04/ डबल इन्वर्टेड कोमा देना है 04/04/1992, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, फिर कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, करेंट डेट, करेंट डेट टाइप कर दिए, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, फिर कोमा। उसके बाद अगर आपको इस दोनों डेट के बीच में ये पता करना है कि कितना साल हुआ, तो यहाँ पर वाई लगा के डबल इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। अगर आपको ये पता करना है कितना मंथ हुआ, तो एम लगा के डबल इन्वर्टेड कोमा देके उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। अगर आपको दिन पता करना है कितना दिन बीता है, तो यहाँ पर डी टाइप करके डबल इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर इंटर। आप देख सकते हैं ये आपका एक्यूरेट निकाल के दिया 10,649 दिन। अब इसमें हम लोग एम लगा के भी आपको दिखाते हैं, यानी M लगा के भी हम लोग देखते हैं और Y लगा के भी देखते हैं। तो करते हैं क्या, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग, सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले इसको, उसके बाद कॉपी, आप टाइप कर भी सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के लिए, यानी कोई भी फॉर्मूला आपको एडिट करना है, दो तरीका है, या तो आप फर्स्ट में डबल क्लिक कर दीजिए, डायरेक्ट आप यहाँ सेल में भी एडिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है क्या, जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा, यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं FX है, FX यानी फॉर्मूला बार, आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं इसको। ये D है, M प्रेस कर दिए, इंटर, ये मंथ बताया, फिर से पेस्ट करते हैं हम लोग। और अब हमको ईयर जानना है, तो यहाँ पर D के बदले हम लोग Y लगा देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अब ये आप देख सकते हैं ईयर भी बता दिया, यानी ये दोनों डेट के बीच में 29 साल हुआ है। अगर महीना के हिसाब से देखा जाए तो 349 महीना हुआ है, और अगर दिन के हिसाब से देखा जाए तो इस दोनों डेट के बीच में 10,649 दिन बीता है। तो ये आप देखें क्या, डेट के साथ, यानी डेट लिखना पड़ा। अब हम लोग इसमें करते हैं क्या, डेट पहले ही कहीं पर सेल में टाइप कर देते हैं और सेल एड्रेस के थ्रू निकालेंगे। एक जगह ओल्ड डेट हम लोग टाइप करते हैं, ये ओल्ड डेट हो गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंट डेट टाइप कर देते हैं,
ये करेंट डेट हो गया। अब हम लोग डेटेड इफ फंक्शन का यूज करते हैं, इज इक्वल टू डेटेड इफ, सबसे पहले क्या बोले थे, ओल्ड डेट देंगे। तो अगर आप डायरेक्ट डेट टाइप करते हैं तो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर देना है, अगर आप डेट का सेल एड्रेस देते हैं तो आपको डायरेक्ट सेल एड्रेस देना है, डबल इन्वर्टेड कोमा का इसमें कोई ज़रूरत नहीं। तो ओल्ड डेट का सेल एड्रेस हम लोग का हो गया E2, उसके बाद कोमा देंगे, फिर F2 करेंट डेट, फिर कोमा दिए, डबल इन्वर्टेड कोमा, साल जानना है, Y प्रेस किए, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, ब्रैकेट बंद, इंटर, उसके बाद फिर इज इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट स्टार्ट किए, ओल्ड डेट यानी E2, कोमा दिए, करेंट डेट यानी F2, कोमा दिए, मंथ जानना है, M प्रेस किए, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, ब्रैकेट बंद, इंटर, डे पता करना है, इज इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट स्टार्ट किए, करेंट डेट, ये सॉरी ओल्ड डेट E2 हो जाएगा, कोमा करेंट डेट F2, कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा D, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, ब्रैकेट बंद, इंटर, ये आपको दिन बता दिया। तो ये दोनों तरीका से आप निकाल सकते हैं, यानी आप डायरेक्ट डेट टाइप करते, ध्यान रहे आपको डेट डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर पैक करके देना है, और अगर आप सेल एड्रेस के थ्रू निकालते हैं तो डायरेक्ट आपको सेल एड्रेस टाइप करना है, डबल इन्वर्टेड कोमा सिर्फ Y, M और D में लगेगा, यानी लास्ट में जो आप ईयर जानने के लिए Y लगा रहे हैं, मंथ जानने के लिए M लगा रहे हैं, और डे पता करने के लिए D लगा रहे हैं, तो वहाँ आपको डबल इन्वर्टेड कोमा का यूज करना है। और एक फंक्शन हम लोग का क्या, इज इक्वल टू डेज, डेज को भी हम लोग ट्राई करते हैं, ये दो डेट के बीच में अंतर बताता है कितना दिन बीता हुआ है। तो इज इक्वल टू डेज, ब्रैकेट स्टार्ट किए, इसमें उल्टा होता है, यानी पहले हम लोग इंड डेट ही देंगे, यानी जो हम लोग का करेंट डेट है, यानी जहां तक आपको पता करना है वो डेट देंगे। तो ये हो गया हम लोग का F2, जहां से पता करना है यानी स्टार्ट डेट, इंड डेट के बाद देंगे यानी E2, कोमा लगा के दोनों डेट दे दिए हम लोग, यानी डेट का सेल एड्रेस, ब्रैकेट बंद, इंटर। आप देख सकते हैं इस फंक्शन से भी, यानी डेज फंक्शन से भी यहाँ पर बता दिया 10,649 दिन बीता है ये दोनों डेट के बीच में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग इसका और थोड़ा सा एडवांस तरीके से सीखेंगे, मतलब उसमें हम लोग डेट एंड टाइम का और फंक्शन फॉर्मूला सीखेंगे, जिसमें आपको मैं एक्यूरेट निकालने के लिए बताऊंगा कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4492 है तो आपका कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हुआ। उसके बाद हम लोग सीखेंगे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मान के चलिए 4492 है तो उस तारीख को कौन सा दिन था। हमको अगर ये पता करना हो कि जिस दिन हम लोग का देश आज़ाद हुआ था उस तारीख को कौन सा दिन था, ये सब भी हम लोग पता कर सकते हैं, तो वो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बस एक और ट्रिक आप इसमें सीख लीजिए कि जैसे आप यहाँ पर फंक्शन और फॉर्मूला लगा के निकाल चुके हैं पहले ही सब कुछ, अब जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ किसी का चेंज करना है, यानी जैसे आप ये डेट ऑफ बर्थ यानी स्टार्ट डेट चेंज कीजिएगा तो सब यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा। जैसे और किसी का आपको जानना है कि जिसका डेट ऑफ बर्थ 5395 है तो यहाँ पर वो डेट ऑफ बर्थ टाइप किए, इंटर कर दिए, सब यहाँ पर आप देख सकते चेंज हो गया। यानी आप किसी का भी देख सकते, जैसे 1/1/2000 किसी का डेट ऑफ बर्थ है, इंटर टाइप किए तो उसके हिसाब से यहाँ पर बता दिया उसका 21 साल हुआ है, मंथ के हिसाब से 256 महीना, और अगर दिन के हिसाब से देखा जाए तो 7821 दिन वो बीता चुका है। तो इस तरह से आप जैसे ही डेट चेंज कीजिएगा तो रिजल्ट में भी आपका इफेक्ट पड़ेगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।